नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको DLED फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 अभी चल रहा है और आज इसमें वीडियो नंबर 6 आपके लिए होने वाला है। तो आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इससे पहले मैंने आपके 15 एग्जाम्पल्स आपको समझा दिए थे, आज हम 16 माँ जो एग्जाम्पल है उसको हम बात करेंगे उसके बारे में। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि 240 लीटर का 10% आपको निकालना है। अगर 240 है और उसका अगर आप 10% निकाल रहे हो तो यानी 10/100 कर दो, 10/100 कर दोगे, दो जीरो कट जाएगा, यानी कितना बच जाएगा आपके पास 24। तो कितना बचाएगा, 24 लीटर आपके पास बच जाएगा। क्योंकि अगर आप इसका देख सकते हो कि यहाँ पे अगर 240 है और 240 में अगर आपको 10% निकाल रहे हो या कोई भी संख्या दी गई है तो उसके एक पीछे से एक स्थान आप आगे पॉइंट लगा दीजिए तो वही आपका होता है 10% का वैल्यू। अगर दो स्थानों के बाद लगा देंगे तो 1% का वैल्यू हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो या पूरा यहाँ पे लैंग्वेज के तरीके में लिख सकते हो कि 240 लीटर का हमको 10% निकालना है 10/100। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज के रूप में भी लिख सकते हो चाहो तो, कि 240 का 10% बराबर में इतना और उसके बाद बराबर निकालो 240 इंटू में 10/100, तो इस तरीके से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 17वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 350 का आपको 10% निकालना है। तो 350 का 10% बराबर इस तरीके लैंग्वेज में लिखना, तो 350/100 आपको 100 लिखना है, तो 100 से ये कट गया, पूरा कितना बचेगा 35 हो जाएगा ये, जो भी है पैसे ऐसे जो भी इसने दिए हुए हैं यहाँ पे लीटर या उसकी बात नहीं करी हुई है, तो आप इस तरीके से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा कि रुपए दिए हैं आपको, 500 रुपए दिए हैं, कह रहा है 3% की 3 वर्ष दिए गए हैं और 12% की दर से आपसे साधारण ब्याज निकलवा रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, कौन सा वाला, कि SI बराबर SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, SI को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो SI बराबर PRT बट्टे में 100, और लैंग्वेज में हिंदी में लिखना है तो आप मूलधन इंटू में दर इंटू में समय बट्टे में 100 और साधारण ब्याज बराबर आपको लिखना होता है, ठीक है। अब जो चीज़ हमको दी गई है पहले हम लिख भी सकते हैं या फिर सीधा इस फॉर्मूले में रख देंगे, कर जाएंगे फिर भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे 500 रुपये दिए हुए हैं मूलधन के, आप देख सकते हो 500 रुपये हैं, 3 वर्ष यानी 3 वर्ष समय दिया गया है और आपको 12% की दर, तो 12/100 आपको क्या करना है, 100 करने हैं, टोटल के 100 करना है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, तो 12×5=60 और 60×3=180, तो 60×180 यानी 180 रुपये आपके ब्याज के आपको मिलेंगे, कितने सालों बाद, 3 वर्ष बाद मिलेंगे आपको, अगर आपने 12% की दर पर आपने साढ़ ब्याज के हिसाब से आपने पैसे दिए हुए हैं, उठाए हुए हैं किसी को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक साइकिल है जो कि जिसका जिसको हमने क्या करा है, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर, एक साइकिल है उसे 1800 रुपये में बेच दिया है और जिस पर हमको कितनी हो गई, 10% की हानि हो गई है, तो हमें साइकिल का क्रय मूल्य हमको चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, साइकिल का हमको क्रय मूल्य चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए कोई क्रय मूल्य होता है CP, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, उस पर कोई वस्तु हम खरीद के लाते हैं, तो हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं खरीदना, ठीक है। तो खरीद के लाए, मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए 5 रुपए का एक पेन खरीद के लाए और हमने क्या करा, SP मतलब बेच दिया किसी अपने दोस्त को 4 रुपए में उसे बेच दिया, तो इसे बेचना बोलते हैं, SP क्या बोलते हैं, बेचना, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कितनी हानि हुई, तो हानि अगर आप देखेंगे तो हम कितने में लेके आए थे, हम 5 रुपए में लेके आए थे और हमने यहाँ पे 4 रुपए में उसे बेच दिया, यानी 1 रुपए की हमने हानि ले ली। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, CP-SP, क्योंकि CP हमारा ज़्यादा था, यानी जो खरीद के लाए थे वो ज़्यादा मूल्य था और बेचा वो कम में बेचा है, तो CP-SP बराबर में आपका क्या चल जाएगा, ये हानि का फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो जब भी आप लॉस का फॉर्मूला बनाएंगे तो लॉस क्या करेंगे, यानी कोई वस्तु आप ज़्यादा में खरीद के लाएंगे यानी CP खरीद के लाए और उसे SP यानी बेचा उसे कम में बेचेंगे तब आपको हानि होगी। और अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट क्या करेंगे, वस्तु खरीद के तो कम में लाए और बेच दिया ज़्यादा में, मान लो इसी पेन को हम खरीद के 5 रुपए में लाए थे, ठीक है, और हमने 6 रुपए में बेच दिया होता, तो हमको क्या करना पड़ता, SP-CP, दोनों फॉर्मूले इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से। और अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए नॉर्मल फॉर्मूला है, जैसे आप लॉस परसेंटेज निकाल रहे हो तो लॉस, ठीक है, तो कितना लॉस हुआ आपको, उसके बाद लॉस या आप प्रॉफिट निकालोगे वो सीपीपी निकलता है, इंटू में 100 कर देना, ठीक है, तो ये आपका लॉस परसेंटेज के लिए निकल जाएगा। इसी तरीके से प्रॉफिट परसेंट अगर आप निकालना चाह रहे हो तो प्रॉफिट परसेंट भी आपको प्रॉफिट पे, प्रॉफिट किस पे निकालना है, वो सीपी पे निकालना है, इंटू में 100, ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, वो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा। आप इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आप यहाँ से सिंपल क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। वही अब देखिए यहाँ पे बात क्या कर रहा है, कह रहा है कि माना क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपये क्रय मूल्य हानि हमको 10% की हुई है, तो क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये था, 10% की हमको हानि हो गई, तो इसने कैसा लिख दिया है कि विक्रय मूल्य बराबर के 100 माइनस के 10 बराबर में 90 रुपये की हमको हानि हुई है। तो हमें इसमें निकालना क्या था, चलिए हम उसे करते हैं, इसका तो ये है ही। देखिए यहाँ पे हमको जो दिया गया है कि हमसे कहा गया उसने कि एक साइकिल को हमने 1800 रुपये में बेचा, यानी जो एसपी हमारे पास है वो है हमारे पास 1800 रुपये का, 1800 रुपये का एसपी है हमारे पास, और कह रहा है कि हमने उसे 10% की हानि पर बेच दिया है। तब मुझे देखो, एक साइकिल को रुपये 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई है, तो कितना लॉस परसेंट कितना ले लिया हमने, लॉस परसेंटेज ले लिया, 10% का हमको लॉस हो गया है, 10% का हमको क्या हो गया, लॉस हो गया है। तो अब हम यहाँ से सीपी निकालने चलेंगे कि हमने क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, तो क्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो देखो एसपी बराबर में होता है सीपी, और सीपी पर ही प्रॉफिट और लॉस होता है, तो यहाँ पर हमको लॉस हुआ है, तो 100 माइनस, तो माइनस के लिए आपका कितना 10% का हमको हानि हुआ है, ठीक है, बट्टे में 100, और हमको यहाँ पे दिया क्या गया है, तो हमको दिया गया है कि यहाँ पे एसपी दिया गया है, एसपी कितना है 1800 रुपये, तो एसपी की जगह 1800 रुपये रख देंगे, तो एसपी की जगह 1800 रुपये रख दिए हमने, 1800 बराबर में सीपी, और सीपी में 10% की हानि होगी, 10 घटाएंगे 100 में से तो 90 बचेगा, बट्टे में 100। आज जो सीपी निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, इस 1800 और यहाँ पर ये जाके उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर 100 पहुँच जाएगा, 90 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18 काट देंगे तो फिर कितना 2 0 बच गया, और इसमें जब 10 का गुणा होगा, ये जो 10 बचा हुआ है नीचे वाला, तो ये हो जाएगा आपका 2000 रुपया, 2000 रुपये आपके सीपी के हैं, 2000 रुपये आपने खरीदा है जो मूल्य, वो आपके 2000 रुपये के हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से हिंदी में भी इसे लिख सकते हो कि हमें दिया गया है कि हमें विक्रय मूल्य, हमको 10% हानि दी गई है, इसके बाद हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सीधा आप जो लगाएंगे तो विक्रय मूल्य बराबर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, जगह नहीं है, विक्रय मूल्य बराबर, इस तरीके से हिंदी में लिखना, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य आपका इंटू में 100 माइनस का प्रॉफिट और लॉस जो भी हो वो इधर ही होगा, तो लॉस हो रहा था इसे, बट्टे में 100, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ से आप निकाल लोगे आसानी से, क्रय मूल्य आपका निकल जाएगा, ठीक है, ओके। और इसका मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, शॉर्ट बता सकता हूँ, ऐसे आप देखिए 10% जब हानि पर बेचा है तो हमने 1800 रुपये में बेचा है, यानी 10% की हानि, मतलब हमने 90 में कोई वस्तु बेची होगी, 100 में खरीद के लाए, 90 में बेची होगी, तो वो हमने 1800 रुपये की बेच दी, कितने की 1800 रुपये की बेच दी। अब हमने खरीदी कितने पर होगी, तो हर एक वस्तु जो खरीदी जाती है वो 100% पर खरीदी जाती है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, तो बराबर में हम क्या करेंगे, 1800 में ये जो 100 है ऊपर मल्टीपल में चले जाएंगे, और ये 90 नीचे आ जाएंगे, देखो काटोगे वहीं पे पहुंच जाओगे सीधा, कोई दिक्कत नहीं होगी, 9 दूनी 18, यानी आपके पास फिर से 2000 रुपया आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीके से भी आप कर सकते हो, अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हो तो आसानी से शॉर्ट तरीके से कर लोगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, इसने कह रहा है कि कौन सा अनुपात बड़ा है, तो इन दोनों अनुपात में आप बड़े अनुपात को बताइएगा, तो यहाँ पर क्या क्या अनुपात दिए गए हैं हमको, तो हमको पहला अनुपात दिया गया 2/3, और दूसरा हमको अनुपात दिया गया है कितना 5/8, तो अनुपात में कौन बड़ा है ये कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें इनके जो हर हैं उनको हमें समान करना होगा, ठीक है, तो इधर हम 3 का मल्टीपल कर देते हैं, तो ऊपर भी 3 का मल्टीपल करेंगे समान करने के लिए, और यहाँ पर हम 8 का मल्टीपल कर देते हैं, यहाँ पर भी हम 8 का मल्टीपल करेंगे, देख लीजिए, तो 8 × 2 = 16, ये तो हो गया 16/, ये बार लिख रहा हूँ, ठीक है, बट्टे में 8 × 3 = 24, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास हो गया वो 5 × 15, 15/8 × 24, अब बताइए ऊपर कुछ की संख्या ज़्यादा है,
तो इसकी ऊपर संख्या ज़्यादा है, तो यानी यही जो आपका रेशियो है वो ज़्यादा होगा, यानी 2:3 रेशियो आपका ज़्यादा होगा। कौन सा 2:3 रेशियो आपका बड़ा होगा, देखिए लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हर समान करके हम उनको देख सकते हैं कि कौन सा रेशियो हमारा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप उसके बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। तो अब बताइए, 60 तो उसके पास टोटल थे, यानी सीपी करके जो लाया था वो 60 उसके पास कप थे। एसपी उसने कर दिए कितने, मतलब बेच दिए उसने 40। तो अभी आप देखोगे तो इसने ये कहा कि बताइए कुल कितने प्रतिशत कप बिक गए, तो कितने परसेंट बिक गए, तो 40 बिक गए। कितने में से, तो 60 में से 40 बिक गए, 60 लिए, 60 में से 40 बिक गए। तो ये हम परसेंटेज निकाल रहे हैं कि कितने हमारे बिक गए हैं, उनका परसेंटेज। थोड़ा में आप 100 करोगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। 2 से 2 कट गया, 0 0 कट गया, 2 से काटो, 2 2 4, 2 3 6। ठीक है, तो ये हो गया 200/3, 200/3। तो 200/3 इसमें आप भाग दे लीजिए तो आपका 66.67% आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो कप हैं वो इतने परसेंट कप आपके बिक चुके हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं कि राम के पास 300 रुपये, मतलब राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा। खरीदा का मतलब क्या है कि उसने कॉस्ट प्राइस है उसका वो 300 रुपया है, 300 रुपये में उसने खरीदा हुआ है। अब वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, यानी एसपी हमें पूछा हुआ है कितने का बेचे। और यहाँ पे जो लाभ बता रहा है, लाभ परसेंटेज हमें होना चाहिए, वो हमको होना चाहिए कितने का, 20% का हमको लाभ होना चाहिए। ये आपको 20% इसे चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जब भी आपको सीपी दिया जाता है तो सीपी 100% होता है। ठीक है, सीपी कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर आप, या फिर आप सीधा फॉर्मूला लगाइए नॉर्मल सा, आप आराम से हो जाएगा। जैसे एसपी बराबर मैंने आपको बताया था कि सीपी इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बट्टे लॉस इंटू में 100 बट्टे में 100 होता है, ये फॉर्मूला होता है। सीपी आपको एसपी आपको निकालना है। ये सीपी आपको 300 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 20% का लाभ ले रहा था, तो 20% से लाभ दीजिए 120 हो जाएगा, 100 तो होता ही है। और बट्टे में आप 100 कर दीजिए, दोनों जीरो से, ये जीरो कट जाएगी और 36 हो जाएगा, यानी 360 रुपये। तो 360 रुपये का आपको क्या है, उसने बेचा होगा उस चीज़ को। ठीक है, तो आप नीचे देखेंगे 360 रुपये हैं। आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएंगे, फिर एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, एक परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे, तो कुल कितने अनुत्तीर्ण रहे। तो देखो उत्तीर्ण का परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम पहले पास परसेंटेज निकाल ले। पास परसेंटेज हमको दिया गया है कितना, वो दिया गया है 75% हमारे पास हो गए हैं। तो अगर हम कितने पास हुए कैंडिडेट्स निकालें, तो कितने पास हुए कैंडिडेट्स निकालें, तो हमें क्या करना होगा, ये जो 1500 टोटल कैंडिडेट्स हैं इनका 75% हमको निकालना होगा। 75/100। ठीक है, अब इन 2 0 से 2 0 कट गया, 15 का मल्टीपल कर दो, तो 15 × 75 कैरी में गया 7, और 15 × 7 = 105, 105 × 7 = 112। तो ये हो गया 1225 कैंडिडेट्स यहाँ पे पास हुए हैं, बाकी फेल हो गए हैं। तो इनको घटा दो टोटल कैंडिडेट्स में से, तो आपके फेल कैंडिडेट्स निकल जाएंगे कितने, 1125। तो वही यहाँ 1500 में से 1125 घटा दिया है और आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये सभी क्वेश्चंस एग्जांपल्स जितने भी थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ये जो भी हैं आने वाले हैं, इनको सभी मैं अच्छी तरीके से सॉल्यूशन इनको आपको प्रोवाइड कराऊंगा प्रॉपर नोट्स के माध्यम से। ओके, तो आप आगे के वीडियो मिस ना करें, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।